नमस्कार, मैं हूं। आप देख रहे हैं द खबरदार। लखनऊ के चार बाग स्थित एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज के प्राइमरी परिसर में वर्ल्ड विजन इंडिया के अर्बन एरिया प्रोग्राम के तहत बच्चों को कुपोषण बीमारी और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हुए, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी एवं कार्यक्रम प्रबंधक ने सैकड़ों की संख्या में आए बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वहीं स्वच्छता का संदेश भी इस कार्यक्रम के अवसर पर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर विकास। वर्ल्ड विजन के प्रबंधक सर जी हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। ये वर्ल्ड विजन क्या है? वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 5 दिवसीय जो कार्यशाला है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे स्लम्स के दुखों के सैकड़ों बच्चे इकट्ठे किए गए थे। ये भी बच्चे हैं जिनको भी जीवन की सुविधाएं बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। जो सरकारी विद्यालयों में जाते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं, मौके नहीं जिसमें ये अपनी प्रतिभाओं को निकाल सकें। जिनका सोशल बैकग्राउंड है, जो सामाजिक परिवेश है, वो भी बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। रूढ़ियाँ भी वहाँ पर विद्यमान है। तो इन 5 दिन की कार्यशाला में बच्चों को जीवन की पद्धतियों से, उनके आचरण कैसे हों, उनको किस तरह से आगे चलना है, परिवार क्या होता है, परिवार की जिम्मेदारियां क्या होती है, कैसे बच्चों को माता पिता से, बुजुर्गों से बात करनी चाहिए, पड़ोसियों से दोस्ती हो, मित्रता हो तो उसको कैसे निभाया जाए, शिक्षा अगर है तो उसमें कैसे ध्यान दिया जाए, अपनी प्रतिभाओं को कैसे उभारा जाए। तो शिष्टाचार से लेकर और जीवन में आगे बढ़ने तक इनकी प्रतिभाओं को पहचानना, उन प्रतिभाओं के को इनके माता पिता तक पहुँचाना कि इस क्षेत्र में कोई खेलकूद नच्चा होगा, कोई संगीत में, कोई अन्य कार्य में। तो एक मैं समझती हूँ कि एक ये आप इनके जो इनर क्वालिटीज हैं, जो आंतरिक इनकी इनकी जो गुण हैं, उनको उभारने के लिए कार्यशाला है। साथ ही साथ बच्चों को सही रास्ते पर अच्छे गुण सिखाने की कार्यशाला है। तो अर्बन ADP क्षेत्रीय कार्यशाला जो लगी है, इसके लिए मैं इस संस्था को, इंडिया विजन को, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसके जो आपने देखा कार्यकारी अरविंदर जी हैं, इसमें डैनियल जी हैं, और ये जिस प्रांगण में हो रहा है, एपी सेन स्कूल में यहाँ के हमारी प्रधानाचार्य मैडम घोष हैं, इन सब में मिलकर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम क्या 5 दिन में चलेगा, जिसका लाभ हम बच्चों को। जी मैम, तो ये वर्ल्ड विजन कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है? पूरे भारत में करता है और 60 साल से कर रहा है, और इनको इसी प्रकार के आयोजन ये करते हैं। और लखनऊ में तो मेरे ख्याल से 5 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, 6 साल से बहुत अच्छा, 2008 से लोग यहाँ काम। जी मैम, जो बच्चों को यहाँ पे लाभ मिलना चाहिए वर्ल्ड विजन की वजह से, क्या ये लाभ मिल पा रहा है उन बच्चों को? बिल्कुल मिलेगा, आपने देखा नहीं बच्चों का उत्साह? देखिए देखिए, बच्चों को अपने जो जीवन का रूटीन है, दैनिक जो उनकी उनकी जो कार्य है उससे थोड़ा हटकर उनको यहाँ आकर समूह में कार्यक्रम देखना, समझना, अपनी प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्राप्त होना, इनको कहाँ मंच मिल पाता है। यस मैम, स्कूल भी आप देखते हैं, प्रारंभिक जो हमारे बेसिक स्कूल्स हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा नहीं होते। तो हर तरह से इनके जीवन को, इनके विचारधारा को इस प्रकार के समूह में बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लखनऊ अर्बन डेवलपमेंट ADP क्षेत्रीय कार्यक्रम में जीवन की पाठशाला की जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, आज कौन सा दिन है? इसका पहला दिन है, प्रारंभ है।
उसमें यहाँ पर मंत्री उपस्थित श्री बैनर जी और यहाँ के प्रिंसिपल विशोषी जोश जी और मंगल कौर जी जो कि हमें इतने सालों से लगी हुई है, यहाँ के एस एच ओ हुसैनगंज के आनंद जी, यहाँ पर से सभी माताएं और उनके बच्चे, छोटे बच्चे बड़े बच्चे लड़के लड़कियाँ, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है क्या जितनी बड़ी संख्या में बच्चे हैं इकट्ठे हुए, स्कूल में तो हम जाते हैं, स्कूल में तो हम जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन जीवन की पाठशाला तो कहाँ लगी है, आज अपनी सेंट गर्ल्स स्कूल में लगी है जहाँ आप सब सैकड़ों की संख्या में आए। हम कहते हैं हमारा जो भारतवर्ष है बहुत बड़ा देश है, तरह तरह के लोग रहते हैं इसमें, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कोई हमसे कि आप कौन हैं, क्या हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारी पहचान हमारे देश है, हमारी पहचान हमारी जात से, लिंग से, लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग है, बच्चा है, इससे नहीं है। हम कौन सी जुबान बोलते हैं इससे नहीं है हमारी, केवल एक जब तुम नक्शा बनाते हो दुनिया का, अगर अपने देश का नक्शा बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ऐसे करके बनाते हो ना, तो हम कौन है, हम इस नक्शे में रहने वाले भारतवासी हैं, ये हमारी पहचान है और इस पहचान को कोई हमसे छीन नहीं सकता। और मैं ये भी जानती हूँ कि माता पिता हमें जीवन देते हैं, ये जो हड्डी है, मांस है, खून है, ये हमारे माता पिता का है, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो अच्छे भाव हैं, वो माता पिता के साथ साथ हमारे टीचर, हमारे अध्यापक और इस तरह के मंचों से हमें जो गुरु मिलते हैं वो हमें देते हैं। मुझे पूरा यकीन है इन 5 दिनों में आपके खेलकूद भी होंगे, आपके जीवन में आप क्या कक्षा कर सकते हो और प्रतिभा को ढालने का मौका इस मंच पर मिलेगा, कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छा नाचता होगा, कोई अच्छी कविता बोलता होगा, कोई अच्छा भाषण दे सकता होगा, तो आपके मन में जो काम करने की इच्छा है वो इन लोगों को बताइए। अभी देखो डैनियल जी कितना बढ़िया गा रहे थे, गा रहे थे ना, ये तो संस्था चला के निकाल दे रहे थे गाना गाने की, पर ये जानते हैं कि गीत के माध्यम से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है, उनके दिल में प्यार जगाया जा सकता है। मैं तो आपको बस इतना कहूंगी, महात्मा गांधी का कौन सा साल चल रहा है जन्म का, महात्मा गांधी का, आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो कितने साल के होते, 150 साल के, लेकिन आज महात्मा जी को सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, तुम अपने मोहल्ले के 100 साल के किसी आदमी का नाम जानते हो, नहीं, 80 साल के, नहीं, 60 साल के, सिवा अपने माँ बाप के, नहीं, लेकिन काम ऐसा करो कि अगर 150 साल भी मर जाए तो भी लोग हमको याद रखे, हमें जाने हाँ वो थे जिन्होंने कुछ किया था। अगर मोहल्ले में कोई अच्छा काम करते हैं उसको सब याद रखते हैं, अच्छा परिवार में कोई अच्छा काम करता है तो माता पिता बताएं तुम्हारे बाबा ऐसा करते थे, तुम्हारे नाना ऐसा करते थे, गरीब का काम। वर्ल्ड विजन एक सामाजिक संगठन है, पिछले 60 साल से वर्ल्ड विजन इंडिया 24 राज्यों में काम कर रही है, फारूकपुर में 95 से काम कर रहे हैं, लखनऊ में 98 से काम कर रहे हैं, और हमारा जो 2 मुख्य उद्देश्य काम कर रहे हैं, तो माता स्वास्थ्य के कुपोषण के काम कर रहे हैं, बच्चे कुपोषण से मुक्त हो और गुणवत्ता शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, यूपी में करीब 15 जिले में काम कर रहे हैं और लखनऊ में 2008 से काम कर रहे हैं। 2015 से हम केवल माता शिशु के स्वास्थ्य पोषण के लिए साथ ही बाल अधिकार बाल शोषण में काम कर रहे हैं, और मैं स्टीव डेनल राव इस लखनऊ के क्षेत्र का प्रबंधक हूँ और यहाँ पर करीब 40 बस्ती में काम करते हैं, 1 लाख हमारा पॉपुलेशन है जहाँ पर काम करते हैं और करीब हमारे पास 19,000 हाउस वर्कर्स काम। तो कैसा सभी बच्चों को जो ये लाभ मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? देखिए इस जीवन के 5 साल से हम लोग करीब 5,000 बच्चों को हम लाभ पहुंचा है,
हमारे एक ये क्षेत्र है, दूसरा डालीगंज है, तीसरा अकबर नगर जो महानगर क्षेत्र है, और चौथा जो हमारा वो है लवकुश नरेंद्र नगर। हर एक क्षेत्र में 5 दिन के कार्यक्रम होगा, करीब 5,000 से ऊपर बच्चे इसमें लाभ होंगे, और उसके अलावा जितनी उनकी माता है जो शामिल होते हैं शिक्षकगण है उससे भी इस कार्यक्रम से लाभ। और ये हर साल हम करते हैं, पिछले 10 सालों से हम इस कार्य चलाते आए, और बच्चे बहुत खुश है क्योंकि ये बच्चे को ऐसा मंच मिलता है जहाँ पर बच्चा अपने जो भी टैलेंट्स जी का। जैसा कि हमारे प्रबंधक सर ने वर्ल्ड विजन को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो इसी तरह से ये वर्ल्ड विजन काम करता रहे। धन्यवाद।